सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 3 नवंबर 2023 राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। भास्कर स्पेशल न्यूज गंगा शहर में 28 मिनट बोले मुख्यमंत्री गहलोत, भर्तियों को लेकर बयान, बेरोजगारों को 3 लाख नौकरियां दी। राजस्थान में 25 नवंबर को है विधानसभा चुनाव, 3 दिसंबर को आएगा परिणाम। चुनाव आयोग से मांगा मार्गदर्शन, आचार संहिता ने अटकाई 7,000 शिक्षकों की नियुक्तियां। राजस्थान पत्रिका बीकानेर शिक्षा विभाग, चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही नव चयनित तकरीबन 7,000 शिक्षकों की नियुक्तियां अटक गई है, इससे उन्हें वरिष्ठता का नुकसान भी उठाना होगा, साथ ही प्रोबेशन पीरियड भी अब देरी से पूरा होगा। शिक्षा विभाग में अगस्त से 9 अक्टूबर तक थर्ड ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड के नव चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी। इस दौरान पहले राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की काउंसलिंग की गई थी। इनके दस्तावेजों की जांच कर उन्हें नियुक्ति पत्र के साथ स्कूलों में पदस्थापन भी कर दिया था, लेकिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन में समय लग गया। इस दौरान चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और नियुक्ति अटक गई। गौरतलब है कि पूरे राज्य में करीब 35,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने तो आचार संहिता लागू होने से पहले कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अब शेष रहे शिक्षकों को नई सरकार के गठन के बाद ही नौकरी मिल सकेगी। इधर व्याख्याताओं को भी इंतजार, थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के माध्यमिक स्कूलों के लिए 16 विषयों के तकरीबन 6,000 फर्स्ट ग्रेड की नियुक्ति होनी थी। उन्हें भी मेडिकल तथा पुलिस वेरिफिकेशन का समय देकर 27 अक्टूबर तक कार्य ग्रहण करने की गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन इससे पहले 9 अक्टूबर को ही आचार संहिता लागू होने से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इतिहास एवं भूगोल के लिए 1693 पदों पर काउंसलिंग तो लगभग पूरी भी हो चुकी थी। थर्ड ग्रेड रीट और फर्स्ट ग्रेड भर्ती, नई शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग, ट्रेजरी में नहीं हो रहे बिल पास। त्योहारी सीजन में हजारों शिक्षकों का 3 महीने से वेतन अटका, शासन सचिव व शिक्षा निदेशक को ज्ञापन, धौलपुर। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पद समाप्त करने के पीछे कारण नहीं बताया, अन्य स्कूलों में लगाए जाएंगे ये शिक्षक। 60 स्कूलों में सर्जित किए शिक्षकों के 200 पद नियुक्ति दी, अब आचार संहिता के बीच वापस लिए उदयपुर। शिक्षा विभाग की ओर से 1 साल के भीतर जारी हुए 3 आदेशों को लेकर 200 शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। शिक्षकों की पदवार संख्या थी सेकंड ग्रेड 27, रीट लेवल 241, तृतीय श्रेणी 117, लेवल 1 शारीरिक शिक्षक और प्रबोधक। बजट की मैपिंग नहीं कर पाए अधिकारी, थर्ड ग्रेड के 5,000 शिक्षकों का 35 करोड़ रुपए वेतन अटका, स्वीकार। उपेन यादव का ट्वीट, युवा साथियों, शिक्षा विभाग शासन सचिव एवं निदेशक महोदय ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर सकारात्मक है, वह चाहते हैं कि दिवाली पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का तोहफा मिले, और आज हमारे निवेदन पर उन्होंने विभिन्न पदों की जानकारी का डाटा चुनाव आयोग को भेज दिया है, थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड नियुक्ति का। दोनों पैरों से दिव्यांग को भर्ती में शामिल नहीं करने पर मांगा जवाब, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, JEE फिजिक्स से 8 और केमिस्ट्री से 9 महत्वपूर्ण टॉपिक सटाए।
बड़े छात्र अब 16 तक जमा करा सकेंगे फीस। क्लेट रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन, एग्जाम 3 दिसंबर को होगा। इधर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक की दूसरी काउंसलिंग में 65 में से एक ही अभ्यर्थी पहुंचा। जेडब्ल्यू मेन 2024 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के विषय का कम किए। नवी कक्षा से दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति, आवेदन शुरू हुए, ऑफलाइन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं होगा। झुंझुनू भास्कर न्यूज ब्रीफ, आरपीएससी आरएएस आखिरी चरण के इंटरव्यू लेटर जारी, इंटरव्यू 6 से। ओएमआर सीट के लिए आवेदन 10 तक, सीटीटी अगस्त 2023। मध्य प्रदेश एनएचएम में 980 पदों पर वैकेंसी। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा टोंक। दिव्यांगजनों को डॉलर या ब्रिटिश पौंड के साथ फ्री हवाई यात्रा। नवी कक्षा से उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ, एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू, श्रीगंगानगर। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, अब मध्यावधि अवकाश से पहले भरनी होगी यू डाइस, अनिवार्य विषय हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा की पहले की तरह ही होगी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय एलएलबी फाइनल ईयर का रिजल्ट 12 नवंबर के बाद। नई शिक्षा नीति के तहत होगा गठन, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी, स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। राजस्थान में बनेगी स्टेट कॉम स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, 30,000 स्कूल जुड़ेंगे। आरपीएससी के सहायक सचिव खो खो प्रतियोगिता में तकनीक अधिकारी होंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, आरपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी पदों के तीसरे चरण के इंटरव्यू भी शुरू किए जाएंगे। दिवाली के बाद बढ़ सकती है भर्ती इंटरव्यू की संख्या, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हो सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। इधर आरएएस के इंटरव्यू पूरे हो जाएंगे, नए सदस्यों को भी लगाया जा सकता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिकल एजुकेशन की पुनः काउंसलिंग, एक ही अभ्यर्थी पहुंचा। जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा अजमेर में 48 केंद्रों पर होगी। सेमेस्टर परीक्षा विलंब शुल्क से आज से आवेदन, एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एवं हॉस्पिटल केयरटेकर परीक्षा काउंसलिंग आज। हाईकोर्ट पहुंचा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मामला, टेबलेट के लिए विद्यार्थियों को अभी और करना होगा इंतजार, चुनाव के बाद टेंडर। जीजीटीयू एबीसी अकाउंट के बिना परीक्षा नहीं दे पाएंगे कॉलेज स्टूडेंट्स। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज, यूजीसी नेट के आवेदन 30 नवंबर तक प्रक्रिया शुरू। अर्धवार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर से, 877 स्कूलों के 1,00,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे हनुमानगढ़। नवी कक्षा से उच्च शिक्षा के दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति कोटा। विद्यार्थियों के हितों में फैसला, परीक्षा से संबंधी दस्तावेज मिलेंगे जल्द, राजस्थान विश्वविद्यालय। आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती 2023 का मामला, राज्य सरकार व आयुर्वेद विभाग को हाईकोर्ट का नोटिस, जोधपुर हाईकोर्ट। शिक्षक भर्ती घोटाला, बिना रिपोर्ट शिक्षक कैसे विनियमित, कमेटी करेगी जांच। राज्यपाल ने गठित की 3 सदस्यीय कमेटी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। जेडब्ल्यू मेन 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कोटा।